खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। यूं तो 17 विधानसभा के मैदान में 28 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कुछ राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों ने ही चुनाव मैदान में उतारा है। इस बार मुस्लिम प्रत्याशी भी पर्याप्त मात्रा में है। 17 विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे लोगों का कहना है कि मुस्लिम प्रत्याशी भी किसी खास नेता के इशारे पर चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। 17 विधानसभा के 28 पहलवानों में 3 पहलवान ही मजबूत दिख रहे हैं, बाकी तो ऐसा लग रहा है कि सारे पहलवान चुनाव मैदान में सीकिया पहलवान ही साबित होने वाले हैं, या यूं कहें कि चुनावी युद्ध में 3 पहलवानों में ही धनुष तोड़कर विधानसभा का दरवाजा खटखटाने की क्षमता है, बाकी तो सिर्फ किसी खास शोरूम की सामग्री कहे जा सकते हैं। आइए अब हम आपको 17 के चुनावी मिजाज के बारे में बताते हैं। 17 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह हैं, जो वर्तमान में भी सांसद हैं। 4 बार 17 की जनता ने उन्हें सांसद के रूप में चुनाव जिताया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वह मोदी लहर में जीते, कुछ लोग कहते हैं कि वह लोकप्रिय है। अब जो कुछ भी है तो 4 बार के सांसद तो है ही, इस बात को आप खुशी से स्वीकारिए या बिना मन से स्वीकारिए, लेकिन स्वीकारना तो पड़ेगा। जब भी गणेश सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पहले लोकसभा का चुनाव छोड़ दें तो दूसरे लोकसभा चुनाव से ही एक बात आपको गली चौराहे में सोशल मीडिया में बड़ी प्रमुखता के साथ सुनाई पड़ेगी कि इस बार गणेश विसर्जन करना है। हर बार की तरह इस बार भी हल्ला है कि गणेश विसर्जन करना है, अच्छा फंसा है, इस बार तो निपट ही जाएगा। लेकिन एक जमीनी सच्चाई यह भी है कि गणेश सिंह के विरोधी हर बार गणेश विसर्जन की बात तो करते हैं, लेकिन आज तक गणेश का चूहा भी विसर्जित नहीं कर पाए। जब अजय सिंह राहुल 17 लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे थे, तब माना जा रहा था कि मुकाबला कांटे का है। मुकाबला कांटे का था भी, लेकिन मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अचानक पलटी मारी और चुनाव गणेश सिंह के पक्ष में चला गया। हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता है कि चुनाव गणेश सिंह ही जीतते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण गणेश सिंह के पक्ष में नहीं है, बावजूद इसके लोग कह रहे हैं कि अंत में चुनाव गणेश सिंह ही जीतेंगे। गणेश सिंह को चुनाव जिताने वालों से जब इस बात का लॉजिक पूछा जाता है कि आखिरकार गणेश सिंह चुनाव कैसे जीत रहे हैं, तो बहुत सारे लोग तो निरुत्तर हो जाते हैं, लेकिन यह बात दावे के साथ कहते हैं कि चुनाव तो गणेश सिंह ही जीतेंगे। इस बात का शहर में पर्याप्त हल्ला है कि सतना शहर का ब्राह्मण नाराज है, क्योंकि सतना जिले में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी गई। गणेश सिंह जब जब चुनाव लड़ते हैं तब तब इसी तरीके का हल्ला पूरी लोकसभा में होता था कि जिले का ब्राह्मण गणेश सिंह से नाराज है और इसके बाद भी गणेश सिंह चुनाव जीते। ऐसा भी नहीं है कि गणेश सिंह सिर्फ कुछ जाति विशेष के वोटों से ही जीत जाते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में ब्राह्मण मतदाताओं का भी समर्थन मिलता है। लेकिन इस बार गणेश सिंह के सामने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा चुनावी मैदान में है, इसलिए पिछड़े वर्ग के वोटों का विभाजन जरूर होगा। जहां तक रही राजपूत वोटों की बात, तो जो राजपूत ठाकुर वोट अजय सिंह के इशारे पर करता है, तो वह वोट बहुत संभव है कि कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को वोट न करे। अब ऐसे में उनके पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो गणेश सिंह को वोट कर सकते हैं या तो रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा को। अजय सिंह राहुल का फरमान गोपनीय तौर पर किसके पक्ष में जारी होता है, यह तो अजय सिंह राहुल और उनके समर्थक ही बता सकते हैं। अब रही बात ब्राह्मणों की बात, तो ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो कभी एकजुट नहीं हो सकती। इस जात का वोट कांग्रेस को भी मिलेगा, इस जात का वोट रत्नाकर चतुर्वेदी को भी मिलेगा और इस जात का वोट गणेश सिंह को भी मिलेगा। अब वोटिंग का कितना प्रतिशत ब्राह्मण मत किस प्रत्याशी और किस दल को मिलेगा, यह बताना किसी के बूते की बात भी नहीं है। कयास प्रयास चाहे जो कर ले। अब जो विशुद्ध जातिवादी ब्राह्मण है वह निश्चित तौर पर रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा के साथ जाएगा, जो विशुद्ध कांग्रेसी ब्राह्मण है वह कांग्रेस के साथ जाएगा और जो विशुद्ध भाजपाई ब्राह्मण है वह भाजपा के साथ चला जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण गणेश सिंह से नाराज है उसके पास दो विकल्प है, रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा के पास भी जा सकता है और कांग्रेस के पास भी जा सकता है। जो ब्राह्मण सिद्धार्थ कुशवाहा से नाराज है वह ब्राह्मण भी रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा और गणेश सिंह के साथ जा सकता है, और जो ब्राह्मण रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा से नाराज है वह व्यक्ति भाजपा और कांग्रेस को वोट दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सीधे तौर पर गणेश सिंह को चुनाव हराना चाहता है वह व्यक्ति निश्चित तौर पर कांग्रेस
को ही वोट करेगा, और जो व्यक्ति कांग्रेस को चुनाव हराना चाहता है वह व्यक्ति सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। जिस तरीके से राजनीतिक हालात निर्मित हो रहे हैं उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है तीनों पहलवानों को लड़ते हुए देखकर जनता रोमांचित और आनंदित भी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि गणेश सिंह के पास पैसा बहुत है, पैसा बांटकर चुनाव जीत लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शिवा के पास भी पैसे की कमी नहीं है, पैसे से शिवा भी कमजोर साबित नहीं होंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा के बारे में भी कहा जाता है कि उनका नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर का है और उनके समाज के लोग पूरे देश से उनकी मदद करते हैं। इस राजनीतिक लड़ाई में सामाजिक और आर्थिक लड़ाई भी जनता को देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय मतदाताओं की मौज है। जो मतदाता बीड़ी की कुट्टी बीनकर पिया करते थे इस समय गोल्ड फ्लैग पी रहे हैं। जिन्हें देसी नसीब होती थी इस समय वे लोग अपने गले की मालिश विदेशी शराब से कर रहे हैं। बहुत सारे मतदाताओं को मोटरसाइकिल से और कार में चलने के लिए डीजल पेट्रोल डलवाने की पर्चियां भी नसीब हो रही हैं। कुछ लोग तो सुबह कुल्ला बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में करते हैं, तो दोपहर का जेवनार भाजपाई पर्चियों से कर लेते हैं, तो रात की बियारी कांग्रेसी खेमे में हो जाती है। लेकिन ऐसे कलाकार लोग बहुत कम हैं, लेकिन हैं तो। जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक ऐसे मतदाताओं की मौज है, लेकिन इस समय मतदाताओं का बड़ा आदर है। कोई भी नेता यह जानते हुए भी कि यह मतदाता किसी का सगा नहीं है, उसके बाद भी उसका निरादर नहीं होता। इस खान पान और मान सम्मान से कौन सा मतदाता किस दल के प्रत्याशी से कितना प्रभावित होकर मतदान करेगा और किस प्रत्याशी की किस्मत सजाए और संवार देगा, अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी को 20,000 से ज्यादा मत मिलने की संभावना नहीं जता रहे थे, लेकिन रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने तरीके से अपने चुनावी प्रचार में जान फूंकी है, उसे देखकर अब राजनीतिक विश्लेषक यह कहने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा जितना वोट हासिल करेंगे उन वोटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हार सुनिश्चित होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार पुष्कर सिंह तोमर ने उम्मीद से अधिक वोट हासिल करके शंकर लाल तिवारी का खेल बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार कहानी अलग है। रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा जितने मत हासिल करेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी के विजय के द्वार खुलेंगे। सतना के चुनाव के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि जिससे भी मिलिए और बात करिए हर आदमी राजनैतिक पंडित ही नजर आता है। जैसे पंडित जी कथा बांचने लगते थे, वैसे ही आज का आम आदमी भी राजनैतिक कथा इस कदर बांचता है कि सुनकर माथा चकराने लगता है। इस पूरी चुनावी लड़ाई में माई के लाल भी मैदान में है। इस पार्टी का नाम है सपाक्स। इस पार्टी के प्रत्याशी हरशंकर तिवारी का भी दावा है कि इनकी चुनावी फिजा बन रही है। अब इस जीत हार के समीकरण में जीत का सेहरा किसके सर बंधता है यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। अभी तो सिर्फ आप राजनैतिक पंडितों की कथा सुनिए और आनंदित होइए। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।